आप सभी के समक्ष एक रागनी और नरसी भात से श्रोताओं बता दिया, बहुत पुरानी रागनी लिखी हुई है गुरु जी के द्वारा। और जब हर नंदी की सास उसे ताना देती है कि जा चली जा अपने माई के भात न्योतने के लिए, और अपनी सास को समझाती कि सासू माँ मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, अगर जाऊं तो किसके यहाँ पर भात न्योतने के लिए। आइए किस तरह से अपनी सास को समझाती है बाकी वाला रागनी के द्वारा। हो सासू ताने मारे मत ना, हो मेरे ना माजाया भी भात मेरे चला और ना ही चलेगा। कभी वक्त था
जब मेरे पिताजी को सेठों का सेठ नरसी सेठ कहा जाता था, लेकिन आज वक्त ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। इतने अभिमान और गुरूर की बात आपके मुखारविंद से शोभा नहीं रहती। आइए दूसरी बात के द्वारा किस तरह से समझाने लगी। मुश्किल से बात होती है श्रोताओं। तीसरी बात के द्वारा कृष्ण कन्हैया गोविंद को याद करने लग जाती है और कहती है, हे प्रभु, जैसे भरी सभा के अंदर द्रौपदी की लाज रखी, भक्त प्रहलाद की लाज रखी, आज इस भगतनी की लाज रख दे। और बुलाने लगी, हो मेरी सांवरी हुए री फकीर।
जी ने इतनी धूमधाम के साथ मेरी शादी की और इतना धन माल खजाना लुटाया, लेकिन आज वक्त ये भी है कि सब कुछ गोविंद के नाम लुटा दिया और आज कुछ भी मेरे पिता के पास नहीं है। कभी मनसा जैसे सेठ मेरे पिता के यहाँ पानी भरा करते थे, लेकिन वक्त की चाल बदल गई। श्रोता आखिरी बात के अंदर क्या समझाने लगी सुनेगा। मजबूरी